सो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा। इससे पहले अपन ने एल्गी के बारे में देखा था, तो एल्गी है उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा वर्ड है ये किसने दिया था, क्वेश्चन है। अपन इसमें यह भी बात करेंगे, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रायोफाइटा से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी लिख लिए जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम उसके अंदर आपको थ्योरी के रूप में किस प्रकार लिखना है, ये भी दोनों चीज अपन बात करेंगे, और इसका जो क्लासिफिकेशन वो भी देखेंगे, और इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट क्या क्या होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा, है ना। ब्रायोफाइटा जो वर्ड है वो वर्ड किसने दिया था, तो ब्रायोफाइटा का जो वर्ड है वो वर्ड दिया था ब्राउन ने। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया। बहुत रेयर चांस होता है कि किसी भी साइंटिस्ट का नाम पूछे, फिर भी पूछ लिया जाता है कि ब्राउन यानी ब्रायोफाइटा वर्ड किसने दिया, ब्राउन ने दिया। कब दिया, 1864 के अंदर ब्रायोफाइटा वर्ड ब्राउन ने दिया, 1864 के अंदर। अब बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा होता क्या है, ब्रायोफाइटा का एक्चुअल मीन क्या होता है ना। ब्रायोफाइटा है इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, पहला तो आ गया ब्रायोन, पहला तो क्या आ गया ब्रायोन, और दूसरा क्या आ गया फाइटोन। मिलके क्या बना, ब्रायो फाइटा, ठीक है। ब्रायोन, ब्रायोन का मतलब होता है मॉस, ब्रायोन का मतलब क्या होता है मॉस, ब्रायोन का मतलब हो गया मॉस, और जो फाइटोन है फाइटोन का मतलब होता है पादप यानी प्लांट। ब्रायोन का मतलब हो गया मास और फाइटोन का मतलब हो गया पादप, दोनों से मिलके जो वर्ड बना है उसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। देख लिया आपने ब्रायोफाइटा का, तो इसका मीन्स क्या हो गया, एक्चुअल इसका एग्जिट जो मीन्स होता है वो मीन्स क्या हो गया, मॉस जैसा प्लांट, मॉस जैसा प्लांट। तो कंफ्यूज नहीं हो गया, ब्रायोफाइटा क्या हो गया, मॉस जैसा पादप, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देख ली। अब बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, है ना। ब्रायोफाइटा की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ब्रायोलॉजी, क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लॉजी लगा दिया, मतलब किसी भी चीज का स्टडी करते हैं, टू स्टडी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी किसी भी चीज की स्टडी, तो है ना ब्रायो लोजी। ब्रायो का मतलब हो गया मोस, मोस की स्टडी किसके अंदर की जाती है, ब्रायोफाइटा, तो उसको क्या बोल दिया, ब्रायोलॉजी बोल दिया। अब आ जाता है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है वो किसको माना जाता है, जोहान्स हेडविक को माना जाता है, किसको माना जाता है, जोहान्स हेडविक, जोहान्स हेडविक। मोस्टली बुक में ये दिखा हुआ है कि जोहान्स हेडविक है इसको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी माना जाता है, लेकिन अभी भी लोग कंफ्यूजन है कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको माना जाता है, क्योंकि जो मॉस की जो स्ट्रक्चर है यानी मॉस जो प्लांट है उसकी खोज किसने की थी, जोहान्स हेडविक, इसलिए इनको माना जाता है। और जो इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है, इंडियन फादर ऑफ जो ब्रायोलॉजी है वो है प्रोफेसर शिवराम कश्यप, है ना। इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो वो है प्रोफेसर शिवराम कश्यप, क्या गया, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। तो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, ब्रायोफाइटा जो वर्ड है वो किसने दिया था, ब्राउन ने दिया था, और ब्रायोफाइटा की जो स्टडी होती है किसके अंतर्गत आती है, ब्रायोलॉजी के अंतर्गत आती है, और फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, जोहान्स हेडविक है, और इंडियन फादर ऑफ कौन है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप हो गया, ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज अक्सर 99% ये चीज पूछ ली जाती है कि ब्रायोफाइटा होता है, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो वो कौन है, ब्रायोफाइटा, कौन है, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या है, पादप जगत का उभयचर,
है ना, एम्फीबियन, यानी पादप जगत का उभयचर है वो कौन है, ब्रायोफाइटा है। नोट कर लीजिए जल्दी सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पादप यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो वो कौन आता है, ब्रायोफाइटा आता है, यानी पादप जगत का उभयचर किसको माना जाता है, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इनकी विश्व के अंदर कितनी वंस है इनके और कितनी इनकी स्पीसीज है ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स है इनकी सबसे पहले अपन विश्व में बात कर लेते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ब्रायोफाइट्स है उनकी लगभग 960 तो वंश है उनके, कितने कितने वंश है, 960 वंश है। और इनकी जो स्पीसीज है, जो जाति है, वो कितनी होती है, 24,000 देखने को मिलती है। कितनी, 24,000 स्पीसीज इनको इनकी देखने को मिलती है। फिर बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर, है ना, भारत के अंदर इनके कितने स्पीसीज देखने को मिलती है, भारत के अंदर इनकी लगभग मिलती है 2850, यानी 2850 क्या मिलती है, स्पीसीज देखने को मिलती है। जबकि अपन अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के अंदर लगभग कितनी है, 89 स्पीसीज देखने को मिलती है। कितनी मिलती है राजस्थान में, 89 स्पीसीज देखने को मिलती है। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ब्रायोफाइटा का, ये अपन ने अभी तक बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। एक छोटी सी चीज और रहेगी, सबसे पहले वो बता देता हूं, ये भी पूछ ली जाती है कि ये जो ब्रायोफाइटा का जो क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या होता है कि जो पादप होते हैं, यानी जो अलग अलग जो पादप होते हैं उनके दो तीन नाम है, उन नाम से भी इनको पूछ लिया जाता है। वो दो तीन नाम आपको बता देता हूं, एक तो आ जाता है लीवरवर्ट्स, तो याद रखिएगा ये इसी के अंदर आता है ब्रायोफाइटा के अंदर। एक तो क्या आ गया, लीवरवर्ट्स आ गया, एक क्या आ गया, हॉर्नवर्ट्स, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मोसेज, ये किसके अंदर आते हैं, ब्रायोफाइटा। इनको सम यानी नॉर्मली रूप से इनको लीवरवर्ट्स भी बोल देते हैं, हॉर्नवर्ट्स भी बोल देते हैं, मोसेज भी बोल देते हैं। ये क्या है, ब्रायोफाइटा के ही अलग अलग नाम है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अपने को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम दे सकता है। तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी कंफ्यूजन अब क्लियर हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा को जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन सबसे पहले किनकी उन्होंने, एक तो आइकलर थे, एक केवर्स थे, एक बोवर थे और एक इवांस थे, इन्होंने सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन दिया था ब्रायोफाइटा का। लेकिन वो क्लासिफिकेशन इतना सर्टिफाइड नहीं हो सका, इसलिए नया क्लासिफिकेशन दिया गया। तो न्यू क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये बात कर लेते हैं। तो न्यू क्लासिफिकेशन है वो दिया था रोथमेलर, एंड प्रोस क्योर ने, रोथमेलर एंड प्रोस क्योर ने, किसने दिया था, रोथमेलर एंड प्रोस क्योर ने न्यू क्लासिफिकेशन दिया था, किसका, ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, रोथमेलर एंड प्रोस क्योर ने दिया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, रोथमेलर एंड प्रोस क्योर ने। अब क्या आता है, जो ब्रायोफाइटा है इसको तीन क्लास के अंदर बांटा गया है, कितनी, तीन क्लास के अंदर, यानी तीन वर्गों के अंदर इसमें को बांटा गया है। वो तीन वर्ग कौन कौन से है वो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं पहले वर्ग की। तीन वर्ग में बांटा है, पहला वर्ग आ जाता है हेपेटोकोप्सिडा, कौन सा आ जाता है, हेपेटोकोप्सिडा, पहला वर्ग कौन सा आ गया, हेपेटोकोप्सिडा, हेपेटोकोप्सिडा है, इसको लीवरवर्ट्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीवरवर्ट्स, हेपेटोकोप्सिडा को क्या बोलते हैं, लीवरवर्ट्स है, ये भी बोला जाता है। और इसका जो, इसके अंदर जो वंश होते हैं, यानी हेपेटोकोप्सिडा के जो वंश की ना, कितने वंश पाए जाते हैं इसमें, इस क्लास के अंदर कितने वंश पाए जाते हैं, तो इस क्लास के अंदर लगभग 225 वंश पाए जाते हैं। और जो स्पीसीज है
वो स्पीसीज इस क्लास के अंदर पाई जाती है लगभग 8,500। कितनी पाई जाती है? 8,500। और इसके अंदर कौन से आ जाते हैं, उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर आ जाता है एक तो रिक्सिया, एंड क्या कौन आ जाता है, मार्केंसिया। इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूछ ली जाती है, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। फिर बात कर लेते हैं नंबर दो। नंबर दो आ जाता है, कौन सा आ जाता है, एंथोसिरोटोप्सिडा। कौन सा आ जाता है, एंथो सीरो टोप्सिडा। एंथो सीरो टोप्सिडा है, इसके वंश कितने होते हैं और इसकी कितनी स्पीसीज पाई जाती है। इसके जो वंश होते हैं वो कम ही होते हैं, 5 से 6 वंश मिल जाएंगे, और इसकी जो स्पीसीज है वो लगभग कितनी मिल जाएगी, 300 स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल आता है स्फेग्नम। स्फेग्नम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया, स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया। ये किसके अंदर आ गया, इसका एंथोसिरोटोप्सिडा के एग्जाम्पल आ गए। फिर बात कर लेते हैं क्लास नंबर 3 की, लास्ट क्लास है क्लास नंबर 3। 3 नंबर क्लास कौन सी होगी, बायोप्सिडा। कौन सी आ गई, बायोप्सिडा। क्लास नंबर 3 कौन सी आ गई, बायोप्सिडा। ये जो बायोप्सिडा है इसको क्या बोलते हैं, मोस भी बोला जाता है। कभी कभी क्या बोला जाता है इसको, बायोप्सिडा को मोस है ये भी बोला जाता है। और इसके जो वंश होते हैं, ये इनके वंश कितने होते हैं, लगभग 660 इसके वंश होते हैं। सबसे ज्यादा इसके वंश मिलते हैं, और इसकी स्पीसीज कितनी होती है, इसकी स्पीसीज मिलती है 14,500। कितनी हो जाती है, 14,500। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज होगी, ये जो आपने ये दोनों एग्जाम्पल इसके नहीं है, ये दोनों एग्जाम्पल किसके, पायोप्सिडा के, स्फेग्नम स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया। ये एग्जाम्पल किसके हो गए, स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया के, किसके, बायोप्सिडा के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन जो एंथोसिरोप्सिडा है इसके एग्जाम्पल दूसरे, इसके एग्जाम इसका एग्जाम्पल आ जाता है नोटोथाइलस। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, नोटोथाइलस, यानी एंथोसिरोप्सिडा का कौन सा है, नोटो थाइलस आ गया। और जो बायोप्सिडा का जो स्फेग्नम है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसी का है। ठीक है, अब अपन बात कर लेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के, यानी इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, आर्थिक महत्व है क्या ना, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व है क्या है। तो जो ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है वो क्या है, इतना ज्यादा नहीं है, कम ही है। तो सबसे पहले अपन इसका जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो होता है पीट कॉयल के रूप में, पीट कॉयल, या ना पीट कोयला बनाने के लिए। अब क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा का जो भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, किसका, ब्रायोप्सिडा का, स्फिग्नम, क्या एग्जाम्पल दिया था, याद रखना चाहिए, स्फेग्नम। ये जो स्फेग्नम है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा पीट कोयले का जो यूज होता है उसी के द्वारा किया जाता है, ना इसी के द्वारा पीट कोयल होता है, इसका निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो जो स्फेग्नम होता है ये सबसे ज्यादा क्या यूजफुल है पीट कोयले के रूप, ये क्या एक जलीय पादप होता है, ना जलीय प्लांट होता है। क्या होता है, ये जब इसका जो शरीर होता है, इसकी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ही मान लो, या उसके जो फूल पत्ती जो भी होते हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। डेथ होने के क्या बाद क्या होते हैं, ये समुद्र के पेंदे के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और समुद्र के पेंदे के अंदर एक जगह क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और क्या होगा, कुछ समय बाद, वर्षों बाद में, कुछ बहुत ज्यादा जब साल हो जाएगी, तब क्या होगा, ये नीचे कोयला दबा, यानी नीचे पड़ा रहेगा, उसके बाद क्या होगा, इसका जो यूज होता है वो ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। यानी इसके जो मृत भाग होता है इसका, स्फेग्नम का, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, पीट कोयल है, इसका निर्माण होता है। और जो ये पीट कोयल है, यानी कैसे स्फेग्नम, इसका क्या हो गया, स्फेग्नम हो गया। तो पीट कोयल का निर्माण कैसे होता है, यह आपने देख लिया। ये क्या है, एक जलीय पादप है,
और इससे ही क्या होगा, स्फेग्नम के से किसका निर्माण होगा, ईंधन का। किसका निर्माण हो रहा है स्फेग्नम से, ईंधन का हो रहा है। अब क्या था, ये जो पीट कोयल है, यानी जो पीट कोयल है इसका अपन यदि आश्वासन करेंगे, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा था, देखा होगा कि आसवन विधि क्या होती है। तो आसवन विधि के द्वारा क्या होता है, स्फेग्नम होता है, यानी पीट कोयल का जो स्फेग्नम होता है इसको आसवन विधि द्वारा क्या होता है, स्फेग्नोल में चेंज कर लिया जाता है। किसमें, स्फेग्नोल में। और ये क्या होता है, जो स्किन डिजीज होती है उसके लिए यूजफुल होता है। किसमें, चर्म रोगों के अंदर यूजफुल होता है ना, जिसके भी स्किन डिजीज होती है उसको स्फेग्नोल है, इससे क्या होता है उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका एक जो और यूज होता है ब्रायोफाइट्स का, वो किसके रूप में होता है, पैकिंग जो पदार्थ होते हैं, यानी जो पैकिंग की कोई भी चीज होती है उसको करने के लिए इसका भी क्या होता है, यूजफुल होता है। कोई भी चीज होती है जैसे भोजन के, यानी अपन कांच का कोई भी सामान हो गया, कोई भी यदि फूड हो गया उसको कई दिनों तक रखना है, तो वो क्या होता है, जो ब्रायोफाइट्स होता है इसकी जो पत्तियां होती है उसके द्वारा इसको पैकिंग यानी करने में काम आता है। फिर बात कर लेते हैं जो स्फेग्नम होता है, ये स्फेग्नम क्या होता है कि इसको यदि कहीं घाव हो जाता है, उस घाव पर लगा लेंगे तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस घाव को नहीं लगते। और क्या होता है, और इसका जो यूज और होता है वो क्या होता है, चारे के रूप में होता है जंतुओं को, जंतुओं के किसके रूप में, फोडर के रूप में, है ना, चारे के रूप में ब्रायोफाइट्स होते हैं, इसको चारे के रूप में भी यूज लिया जाता है। बस इसके मेनली इतने ही यूज है, क्योंकि ज्यादा इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो इतने ज्यादा नहीं है। तो मेन है वो पीट कोयला ही है, तो आपको ओनली फॉर यही याद रखना है पीट कोयला, बाकी तो ऐसे ही नॉर्मली है, ज्यादा नहीं है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।